हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है 7 पेंटिंग आइडियाज़ फॉर इंटीरियर वॉल्स। आई एम अपेक्षा ग्रोवंशज, आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइन एक्सपर्ट। सो बिफोर एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडिया नंबर 1, यूजिंग स्टेंसिल्स। Using a stencil is a smart and easy idea for those who don't want to give much time or don't have very good art skills. इसको करना बहुत ही आसान होता है। आपको बस अपनी फेवरेट स्टेंसिल को लेना है और ऑलरेडी पेंटेड एंड क्लीन वॉल पे स्टिक करना है। देन पेंट इट विथ योर रिक्वायर्ड कलर एंड रिमूव द स्टेंसिल केयरफुली। लेट इट ड्राई कम्प्लीटली एंड देन गिव इट अ फिनिशिंग टच एंड या इट्स डन। You can use it so many times with different color and texture. It's really fun to use a single thing in so many different ways. Description में मैंने कुछ stencils के link दिए हैं, आप उन्हें जाकर check कर सकते हैं। Idea number 2, geometrical shapes. This is one of my favorite idea because I am in love with geometrical shapes, as you can see in my video's background wall. This is another very good idea for those who don't have good art skills. सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और अपने फेवरेट शेप को ड्रॉ कर लेना है। फिर बहुत ही फाइनली उसे कट करना है जिससे कि एजेस खराब ना हो। फिर आपको ऑलरेडी प्लेन पेंटेड वॉल पे उसके पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। श्योर होने के लिए आप पेंसिल से शेप को ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखें कि एच सीरीज़ की ही पेंसिल को यूज़ करें जिससे कि बाद में रब ना करना पड़े। देन सिक्योर द शेप विद द टेप एंड पेंट इट विद रिक्वायर्ड कलर। कम्प्लीटली ड्राई होने पर आप टेप को बहुत ही केयरफुली निकालें और शेप को फिनिशिंग टच दें। डिज़ाइन को एम्फेसाइज करने के लिए आप उसमें कुछ टेक्सचर्स, डिज़ाइन या कॉन्ट्रास्ट कलर एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। आइडिया नंबर 3, ड्रिपिंग पेंटिंग। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आइडिया फॉर एक्सेंट वॉल, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ पेंटिंग, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट डन करेक्टली इट कैन बी हॉरिबल। आप पेंट को ड्रॉपर या ब्रश दोनों से ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको ड्रॉपर रिकमेंड करूँगी। एक प्लेन पेंटेड वॉल पे अपने रिक्वायर्ड पेंट कलर से ड्रॉप करना स्टार्ट करें। ध्यान रखें कि ड्रॉपिंग स्टार्ट करने से पहले आप स्कर्टिंग और फ्लोर को पूरी तरह से सिक्योर कर लें। इस टाइप की पेंटिंग में आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ करें जो कि बहुत ही वाइब्रेंट और फ्रेश लुक देते हैं। Once the paint is dry, you are ready to do some creativity. You can write something on it in a contrast color or make some design. It completely depends on your creativity. Just give it a try, guys. Maybe you make some mistakes in your first attempt, but it's fun and it really looks awesome. Idea number 4, using tape. This is very easy idea for beginners. And it looks great and appealing in less effort. आपको बस करेक्ट कलर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना है और वॉल्स पे पॉइंट को मार्क करके टेप से सिक्योर करना है। वो आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। फिर रिक्वायर्ड कलर से आपको पेंट करना है और कम्प्लीटली ड्राई होने का वेट करना है। जब पेंट कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो आप टेप को बहुत ही केयरफुली रिमूव करें और उसे फिनिशिंग टच दें। वॉल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसमें कुछ छोटे शेप्स और टेक्सचर का भी यूज़ कर सकते हैं। आइडिया नंबर 5, ओम्ब्रे स्टाइल पेंटिंग। दिस इज़ वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव आइडिया। फॉर दिस टाइप ऑफ पेंटिंग यू डोंट हैव टू बी वेरी आर्टिस्टिक। इसमें सिर्फ एक कलर के अलग अलग शेड्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रिक्वायर्ड कलर टोन को चूज़ करना है और आप उसके लाइटर टू डार्कर और डार्कर टू लाइटर शेड एज पर योर डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी ब्रश, रोलर या स्पॉन्ज को यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आई रिकमेंड यू टू यूज स्पॉन्ज टू मर्ज द शेड्स
And seriously guys, it looks awesome. As you can see, you can draw some design or text on it just to give a personal touch. Give it a try and you will love it. Idea number 6, artistic painting. If you have good art skills, just go with this idea. इस तरह की पेंटिंग में आप वॉल पर कुछ भी बना सकते हैं. Any design, human, natural things, faces, distorted things, etc. It all depends on your creativity. It can be anything. You just need to enhance the wall with your art skills. If you are not confident at your first attempt, I'll recommend you to use a single paint. In that case, you just have to focus on the exterior face of the shape. Idea number 7, making illusions on walls. सबसे पहले जान लेते हैं कि illusion क्या होता है. Illusion मतलब भ्रम, mind का एक misinterpretation होता है. मतलब कि ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की existence है, but actual में वो नहीं होती है. For example, अगर मैं wall painting के term में बात करूँ, तो अगर किसी रूम की हाइट बहुत कम है एंड वी आर यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप ऑन द वॉल, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि रूम की हाइट ज़्यादा है. इन द सेम वे, अगर किसी रूम की लेंथ कम है एंड वी आर यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑन द वॉल, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि रूम की लेंथ ज़्यादा है. सो यू कैन यूज़ सो मैनी इल्यूजन टेक्निक्स टू मेक क्रिएटिव इल्यूजन, एज यू कैन सी इन द इमेजेस. इस टाइप की पेंटिंग करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है बिकॉज यू हैव टू मार्क एवरीथिंग ऑन द वॉल, बट सीरियसली गाइज, दिस इज़ वर्थ इट. जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो इट लुक्स वेरी क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव. इस वीडियो में बस इतना ही. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.